हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, तो आज मैं सुनाने वाला हूँ आपको एक ऐसा किस्सा जो कि है शिव महापुराण से, और उसका टॉपिक है नारद जी की काम वासना। तो टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, नारद जी की काम वासना। तो जानेंगे कि नारद जी की काम वासना क्या थी और कैसे इसका हल निकला और कैसे नारद जी में ये चीज़ आई। चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो एक समय की बात है कि जब आपको पता ही होगा कि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा पुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की गुफा में बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक समाधि लगाई थी और तप करने लगे थे। उनके इस उग्र तप का समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे थे। अब तो आप जानते ही हैं कि जैसे ही देवराज इंद्र को कोई तपस्या करते हुए दिखाई देता है तो उन्हें खतरा हो जाता है कि उनका सिंहासन ही ना कोई छीन ले। तो यहाँ पे भी देवराज इंद्र को खतरा आ गया कि भाई नारद जी कहीं तपस्या से खुश करके ब्रह्मा जी से मेरा इंद्रलोक ही ना मांग ले, मेरा सिंहासन ही ना मांग ले। तो क्या हुआ कि इस डर से इंद्रदेव ने उनकी तपस्या में खलल डालने का निश्चय किया। अब तो उन्होंने क्या किया कि कामदेव को बुलाया और कहने लगे कि हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। नारद हिमाचल पर्वत की गुफा में बैठकर तपस्या कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा स्वर्ग का राज्य ही मांग बैठे, अतः तुम वहां जाकर उसका तप भंग कर दो। तो इसके बाद क्या था, यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत के साथ उस स्थान पर पहुंचे और अपनी सारी कलाएं रच डाली, लेकिन नारद मुनि जी पर कोई असर नहीं हुआ और उनकी तपस्या ऐसी ही चलती रही। अभी हुआ कैसे, तो ये हुआ कि महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ चूर्ण हो गया। उन दोनों का जो कामदेव वसंत का गर्भ था कि हम किसी की भी तपस्या भंग कर सकते हैं, वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्यों नहीं पड़ा, तो अब एक समय की बात है कि पहले ही उस आश्रम में भगवान शिव ने भी तपस्या की थी। उसी स्थान पर उन्होंने ऋषि मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को भस्म कर डाला था। अब जब कामदेव को भस्म देखा उनकी पत्नी ने, तो बिलखते हुए भगवान शंकर से उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की थी। तभी सभी देवता भी शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि इनको पुनः जीवित कर दिया जाए और इन्हें माफ कर दिया जाए। तब भगवान महादेव ने कहा था कि कुछ समय पश्चात कामदेव स्वयं ही जीवित हो जाएंगे, किंतु इस स्थान पर और इसके आसपास जहां तक भस्म दिखाई देती है, भस्म मतलब राख उनकी दिखाई देती है, वहां तक की पृथ्वी पर कामदेव की माया का, कामवाड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना उसका कोई असर होगा। तो इस प्रकार उस स्थान से कामदेव लज्जित होकर वापस लौट आया। इसलिए कामदेव का कोई असर नहीं हुआ था नारद मुनि जी की तपस्या पर। लेकिन अब देवराज इंद्र ने जब यह सुना कि नारद जी पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्होंने नारद जी की खूब प्रशंसा की। भगवान शिव की माया के कारण वे भूल गए थे कि शिव जी के साप के कारण उस स्थान पर कामदेव की माया नहीं चल सकती। तो यही माया थी भगवान महादेव की कि इंद्र को भी पता नहीं चला। इंद्र भी भूल गए थे कि वो उनकी साप के कारण ऐसा हुआ है। उन्होंने लगा कि नारद जी बहुत घोर तपस्वी हैं। अब नारद जी भगवान शिव की कृपा से बहुत समय तक तपस्या करते रहे और अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे, तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। अब इसके बाद क्या था, तब उन्हें मन ही मन इस बात का इतना घमंड हुआ कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, और इस प्रकार अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। वे यह समझ नहीं सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर की ही माया थी। जहाँ देखो भोले की माया, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, उनकी माया के बिना क्या पॉसिबल। लेकिन नारद जी ये भूल गए। तब वे अपनी काम विजय की कथा सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत जा पहुंचे और भगवान शिव को नमस्कार करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार उन्हें बता डाला, और साथ ही साथ ये भी बताया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। यह सब सुनकर महादेव जी ने
मन ही मन मुस्कुराकर नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, आप परम धन्य हैं, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह समाचार किसी अन्य देवता को मत सुनाना, विशेषकर भगवान विष्णु से तो इस बात को कदापि ना कहना। यह बात सबसे छिपाकर रखनी योग्य है। तो मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि यह बात किसी के सामने प्रकट मत करना। परंतु वे तो शिव की माया से मोहित हो चुके थे, इसलिए उनकी दी शिक्षा को ध्यान में ना रखते हुए वे ब्रह्मलोक चले गए। नारद जी तो अब बस उनका जो था ना, एक बुद्धि हर ली गई थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या हो रहा है। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार कर बोले, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का चिंतन करके सारा कारण जान लिया। तभी अपने पुत्र नारद जी को यह सब किसी और से ना कहने के लिए मना कर दिया। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे, वो अब भी नहीं माने, और नारद जी के मन में अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए थे और बहुत ही जल्दी वो बढ़ते जा रहे थे तेजी से। इसके फलस्वरूप उनकी बुद्धि नष्ट तो हो ही चुकी थी और वे इसी चक्कर में अपने जोश जोश में पहुंच गए थे विष्णु लोक, और भगवान विष्णु को यह सारा किस्सा सुनाना चाहते थे। अतः जैसे ही वे विष्णु लोक पहुंचे, नारद मुनि जी को आते देख भगवान विष्णु सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने नारद जी को गले लगा लिया और आदर सहित आसन पर बैठाया। भगवान शिव के चरणों को स्मरण करके भगवान शिव ने नारद जी से पूछा, नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और इस लोक में आपका सुभागमन किस लिए हुआ है? यह सुनकर नारद जी ने अहंकार सहित अपने तप के पूर्ण होने एवं कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल उन्हें सुना डाला। तो अब क्या था, भगवान विष्णु कामदेव पर नारद जी की विजय का असली कारण जान चुके थे। वे नारद जी से बोले, हे नारद जी, आपकी कीर्ति एवं निर्बल बुद्धि धन्य है। आप क्रोध एवं लाभ मोह उन मनुष्य को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन है। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त एवं ब्रह्मचारी हैं, फिर भला यह काम आपका क्या बिगाड़ सकता था? तो यहाँ पे विष्णु जी ने नारद जी की फिरकी लेते हुए कहा, क्योंकि उन्हें पता तो वैसे ही चल गया था, जैसे उन्हें शिव चरणों में ध्यान लगाया तो उन्हें सब पता चल गया कि क्या कारण है। तभी देव ऋषि नारद जी बोले, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। आपकी कृपा के आगे कामदेव का क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके? मैं तो सदा ही निर्भय हूँ। बस इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार कर वहाँ से भी चल दिए। तो ये था नारद जी की काम वासना का राज, और उन्हें लगा कि हमने अपनी काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन जो हुआ था वो सब हुआ था महादेव जी की कृपा से। तो चलिए दोस्तों, बस यही था, महादेव जी की कृपा से नारद जी की कामदेव पर विजय का राज रहस्य। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और चीज़ के बारे में, जहाँ पे महादेव की माया होगी और महादेव के चमत्कार होंगे। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें।